नमस्कार, मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरिया टनाटन। ये भाई साहब को पहचान रहे हैं कि नहीं? आप लोग थोड़ा गौर से देखिए, बताइए कुछ अपने बारे में। आप तो पहले बता दिए पब्लिक को, हम क्या बताएं। प्रणाम, आप देख रहे हैं भोजपुरिया टनाटन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा गरीबों पर भी ध्यान दीजिए। मैं तो बोलूंगा भगवान इनके जैसा गरीब सबको बनाए। इंदर भी ऐसे छुपा रुस्तम है कि लंदन जाके रात तो रात पैसा छाप ले वन चैनल कमा के। बाप रे बाप, अभी अभी हमारा अकाउंट में ना, हाँ, कुछ कहते ना, याद नहीं कि हमारा क्या याद नहीं कि अकाउंट में लगे। बिस्मिल्लाह तो हो गई बनो, बिस्मिल्ला हो गई। हाँ, तो बिस्मिल्ला आप खुद बताइए कि नया चैनल लंदन जाने के पहले चालू करते हैं, मैनेज कोई और करता है और पैसा आवे के चालू हो गए। आज हमने कहाँ बने सोफी? अभी हम आदर्श नगर अंधेरी में हैं। यहाँ पे खेसारी जी का डबिंग चल रहा है, पीछे स्टूडियो है। अभी नया होली सॉन्ग का गाना चल रहा है, क्योंकि अभी से वो निकलेंगे तो फिर लगभग उनको टाइम नहीं मिलेगा होली सॉन्ग गाने के लिए। तो यहाँ अभी गाना गा रहे हैं और बस। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि इंदर भैया का मैंने एक इंटरव्यू किया था, पहला इंटरव्यू मेरे चैनल पे है। कब से जुड़े हैं खेसारी जी से और कैसे जुड़े हैं? 2012 में हम आए थे इनके पास में, मतलब कि मेरे गांव का कोई आर्टिस्ट था, नीरज उपाध्याय, विलेन का कैरेक्टर करता था। तो उनका गाड़ी लेके मैं, मतलब कि उन्हीं के पास आया था और नीरज का काम ख़त्म हुआ। खेसारी जी बोले कि अभी मेरा पिक्चर का शूट चालू है तो वहीं पर रुक जाओ। सो मैं रुक गया, रुका कंटिन्यू 2 महीना इनके साथ में। दिल ले गई, ओढ़निया वाली, सपूत। उसके बाद में हम चले गए नेपाल गाड़ी लेके और खेसारी जी चले गए गोरखपुर, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मल मल का। अच्छा, इतना दिन खेसारी जी के साथ जुड़ला हो गए, कोनो सिनेमा में काम करने का मौका मिला कि ना? एल्बम एल्बम हम ठीक है, हम ड्राइवर ही ठीक है, आर्टिस्ट नहीं बनना हमको। बहुत अच्छा लगता है हमको। अच्छा, ड्राइवर में बहुत अच्छा लगता है। ब्लॉग बनावे के सिस्टम कैसे चालू भइल? ब्लॉग बनावे के सिस्टम चालू नहीं है, मतलब कि पेज रखले रहनी है। अब वो बाबू भेटाइल तो ऐसे वीडियो बना लेनी तो का कहनी कि अपना चैनल पर डाल देनी। तो कोनो आइडिया देलस कि अरे बाप रे ऐसे ही चैनल पर मतलब कि डाल देते हो आप फेसबुक पे, तो कोई कंटेंट उठा के कंटेंट आपका पैसा माल छाप के लेके जाएगा कोई और। मैं बोला भाई तो करूँ तो क्या करूँ, लगभग 10,000 फॉलोवर्स था। बोले कि मोनेटाइज करवा लो, बोला कर दो, मोनेटाइज कर दिया। अब बोलते कि अब कंटेंट आईडी लगाते हैं, वो लगाना शुरू कर दिया। भाई साहब आज इंस्टाग्राम से लाइव आए थे, कौन बीच से? हाँ, गए थे गोराई बीच। गोराई बीच नजर हमारी सब पे है, इनकी हर एक। आपको जब, हाँ, मतलब आपको जब हम ये कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहे नहीं रिसीव कर रहे थे? मैं रिसीव कर रहा था लेकिन नेटवर्क इशू था। मैं आपको भेजा रिक्वेस्ट कि भाई ऐड हो जाओ, कुछ हमरो मजा हाँ, मिले। तो आपको ऐड कर रहा था, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। ए, हम कोशिश करने शायद हम तनी होखे, हम कोई बस वस में तो फिर मेरा दोस्त मत दीजिए। अब दर्शक चाहिए तो हम लोग एक मोटरसाइकिल से कहीं आदमी रोके, ट्रेन में रहते कहाँ से, बस वस में रहते आदमी कहाँ से थी करी। इंदर भी और क्या चलता है ब्यास जी के जिंदगी में? फिलहाल तो सब कुछ अच्छा अभी चल रहा है, चैनल गया था सो चैनल रिटर्न। आपको एक राज का बात बताऊं, इन्होंने 31st को इतना मुर्गा खाया है, इतना मुर्गा खाया है कि पेट में दिक्कत हो गया है। 4 दिन से एसिडिटी पड़ा है पेट में, 31st का अभी तक पड़ा है। कई किलो मुर्गा? ना, सारा सिंपल, खेसारी जी को फुर्सत नहीं था और वैसे भी वो पार्टी शार्टी करते नहीं अपने काम में, उनका पार्टी उनका काम ही है, वो जितना काम करे वही बहुत है उनके लिए। बोलते हैं कि मेहनत करो, पार्टी तो हमेशा कहीं भी जाते पार्टी हो जाता है। 31st संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे वाली स्थिति। अच्छा, एगो पर्सनल सवाल बटे, जवाब देवे के मन हुई तभी देम ना तो ना पक्का। मैंने अब यूट्यूबवा फेसबुकवा से पैसवा होता पगार में से कटी ना? मतलब धीरे से छुआ देते हैं अभी ना, मान लो कुछ मिले थे महीनों के, अभी तो आईबे कर 2-3 दिन में, चाहे आईयो गए बताइए ना, पता ना 2-3 दिन में कैसे। मतलब कि मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, मतलब कि
एक इंस्टॉलमेंट मिला है मुझे फेसबुक से। ना ना मानी जोन भी भैया पैसा दे ही ले उनमें से कुछ मिली कुछ कटी वो का वहां के का मतलब कि उतना मतलब कि बोलते ना हाथ पूरा हाथी निकल गया पूछ बाकी है। ना ना जैसे ब्याज जीरो है कुछ पगार वगैरह दे भी लेनो तो पगारवा में से भाई काटे ना नो वो सब छोटी मोटी चिड़ी मेरी चीजों पे ध्यान नहीं देते उन्होंने। सही बात बटे अभी आज बताई आज आज हमारा खातिर सबसे सुनहरा मौका बा कि आदर्श नगर में आई रही हाँ कुछ वीडियो हम नहीं डाल पाओ कि हिहा गड़बड़ आ गई बा हमारो गाँव में चल गए नहीं तो नया साल पे चार दिन फोन बंद रख ले इंदर भैया और कुछ बताई ऐसा चीज जो लंदन में कुछ ऐसा किस्सा बताई जो सब कुछ नजर आता है। लंदन का थोड़ा सा खुशी भी है और अफसोस भी है। खुशी पहले अफसोस ही जाहिर करें पहले अफसोस ही जाहिर करें हाँ। अफसोस ये रहा कि खेसारी जी की पूरी फैमिली गए थे सोचे कि लंदन आए हैं ठंडी तो -6-7 में थे ही तब तक आइस फॉलिंग नहीं हुआ वहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई नहीं हाँ जबकि उनके लड़के को ऋषभ को बहुत ज्यादा पसंद है बर्फबारी पसंद है ठंडी जगह मतलब जब मिलो तब बोले अंकल ठंडी जगह पे चलते अंकल इधर चलते उधर मतलब कि ज्यादातर वो मानसून में ही जाने चाहते हैं। जब वो लोग वहां से निकल गए तो ले ऐसे बर्फबारी हुई वहां पे कि हम लोगों को चलने के बाद वो लोग आगे मुंबई और वहाँ पे बर्फबारी बरसात हो गई ये बड़ा दुख लगी दुखी की बात है। अच्छा तो हिंदुस्तान में भी कश्मीर में बर्फबारी वाला कभी होने का सफर करे के चाहिए कश्मीर में होता है हिंदुस्तान में होता है हर जगह होता है लेकिन लंदन आउट ऑफ कंट्री गए आउट ऑफ कंट्री के बात है कुछ और बात सही बात बटे। अच्छा कुछ अगर ऐसा बतावे के मन है कुछ ऐसा बताए जो भैया के विषय में कोई ना जानता ना अभी हम भी नहीं जानते हैं कुछ मैंने काम से काम रह काम से काम रखते हैं ज्यादा मतलब कि अब प्यार करते हैं वो तो अब हम ऐसे क्या बता दे आपको कि जो पब्लिक 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 को सब कुछ पता है आप देख सकते हो पब्लिक को एक एक चीज पता था जितना मुझे जानकारी नहीं होता पता चलता कि टीजर छूटने वाला है मुझे पता नहीं होता लेकिन पब्लिक पहले पोस्ट कर दिए होते हैं। भाई साहब ये वीडियो इंदर भैया के बड़ी मुश्किल से मिल गए हैं आज के डेट में क्या है ना कि खेसारी जी को भी खोजना आसान नहीं है तो इंदर भैया भी बहुत कम मिलते हैं। हमारी जान पहचान 3 साल पहले से है और 3-4 बार मिलवो किए हैं अचानक हम भी चाय पी रहा था भैया मिल गए हमारे को। चलिए आप लोग बने रहिए टनाटन के साथ 2-3 दिन में मजेदार मजेदार वीडियो आने वाला है। धन्यवाद।